प्यारे बच्चों स्वागत है आज हम बी फर्स्ट ईयर की नई यूनिट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में से सेकंड यूनिट मैग्नेटिज्म शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों तो तैयार हो जाइए अपना पैन कॉपी लेकर के और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए आज हम कुछ डेफिनेशंस स्टडी करेंगे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वाट इज़ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक परमिबिलिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये तमाम टर्म्स हैं जो वन बाई वन करके हम इनको डिफाइन करेंगे इनके एक्सप्रेशंस को देखेंगे और जो आगे चल के जो कमिंग लेक्चर्स रहेंगे और जो कमिंग आर्टिकल्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं चलिए शुरू कर रहे हैं पहली ट्रम मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो प्यारे बच्चों देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो किसी मेटेरियल को मैग्नेटाइज करता है यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड विच मैग्नेटाइज ए मेटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि मैग्नेटाइज करने वाला फील्ड मैग्नेटिक फील्ड विच मैग्नेटाइज ए मेटीरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इट इज डिनोटेड बाई एच और किसी मैग्नेटाइज फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उसे हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं आप यही कह सकते हैं यहां पर कि द स्ट्रेंथ ऑफ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी और अगर हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिफाइन करना चाहते हैं जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेट है और इसी के यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड है क्योंकि तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है तो यहाँ पर हम एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल जिसकी यूनिट पोल स्ट्रेंथ है उसे रख दें तो उस पर ये कितना फोर्स लगाएगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि आप इसे इस तरह से कहेंगे फोर्स एक्सपीरियंस ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ यूनिट पोल स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट इज़ कार्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इसके चारों तरफ बहुत सी ट्रंस जो हैं वो लिपटी हुई हैं ये देखिए इन नंबर ऑफ टर्न्स आर और कॉपर वायर्स आर क्वाइल्ड अराउंड इट इट बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट और सपोज कीजिए इसमें से आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और एन टर्न है और इसकी जो लेंथ है टोटल वो एल है नाउ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज गिवन बाय इन दिस केस दैट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एन आई बाई एल दिस इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ड्यू टू दिस क्वाइल नंबर ऑफ कोप्रोवाइटर विच आर क्वाइल्ड अराउंड इट अब यहां ये क्या क्या है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट जैसे हम जब इसमें से करंट पास करते हैं तो यह मैग्नेट की तरह काम करता है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड पैदा होता है और वो कितना है इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू थ्रू क्वाइल और ये देखिए एन क्या है दीज आर दंबर ऑफ टर्मसर मेडअप ऑफ द दॉपर क्वाइल्ड अराउंड दिस क्वाइल आप इसे कहेंगे नंबर ऑफ टर्मस ऑफ कॉपर वायर क्वाइल्ड ऑन क्वाइल और एल क्या है द मीन लेंथ ऑफ the ट्रम लेंथ ऑफ टर्न्स, और प्यार बच्चों तो यहीं से देखिए जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड की ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ये यूनिट सीधी दे, एम्पियर पर मीटर क्योंकि एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है इसकी कोई यूनिट होती नहीं है इसलिए आई की क्या यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर तो ये एक टर्म हो गई अब हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैं आपको बताऊं इसको समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं सेल्फ समझने के लिए जैसे सपोज कीजिए किसी क्लास में एक टीचर है और स्टूडेंट्स जो हैं वो उसकी क्लास में बैठे हुए हैं ये स्टूडेंट्स हैं ये टीचर हैं और ये सभी क्लास के स्टूडेंट्स हैं ये सारे उसकी क्लास में बैठे हुए हैं अब होता क्या है यहाँ पर भी मैं यही बात करूँगा कि ये टीचर की जगह एक मैग्नेट हो गया यानी कि मैग्नेटाइजिंग जिसका अपना मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा और इधर ये मेटीरियल्स हैं कोई भी मेटीरियल हो सकता है मैग्नेटिक मेटीरियल जिसको हम कहते हैं वो इस फील्ड में है दोनों एक ही बात है यानी कि टीचर का जो रोल अदा कर रहा है वो ये मैग्नेट कर रहा है और ये जो मैग्नेटिक मेटीरियल्स हैं मैग्नेटिक मेटीरियल्स हैं ये इन स्टूडेंट्स का रोल अदा कर रही हैं ये सारे के सारे जो हैं ये स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास में बैठे हुए हैं और ये टीचर है अब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो मैंने पहले बताया था उसको समझने के लिए याद रखने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये एक टीचर की एबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को कितना पढ़ा पाता है उसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहेंगे या मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहेंगे समझ में आ गई बात आपको अब अब अगर हम मैग्नेट की बात करें तो ये एबिलिटी मैग्नेट की है क्या मैग्नेटाइजिंग फील्ड कि वो उन मटेरियल्स को जो उसके फील्ड में रखे हैं वो उनको कितना मैग्नेटाइज कर सकता है यानी कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मैग्नेट बाई विच इट कैन मैग्नेटाइज द मेटीरियल इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड याद हो गया होगा यानी कि यह टीचर की कंपेरिजन हमने इसका कर दिया है अब नेक्स्ट ट्रम जो मैं आपको बता रहा था वो थी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जरा समझना इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसको समझो आप अब हमने डिफरेंट मैग्नेटिक मेटीरियल्स मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं अब सारे के सारे मेटीरियल्स बराबर मैग्नेटाइज नहीं होते हैं ठीक उसी तरीके से जिस तरह से एक क्लास में बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं उसी टीचर की क्लास है लेकिन सारे स्टूडेंट्स बराबर नहीं सीखते हैं कोई बच्चा ज्यादा सीखता है कोई बच्चा कम सीख रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि उनकी सीखने की जो एबिलिटी है वो अलग है उनकी जो वही बात यहाँ पर है जो तमाम मटेरियल्स हैं उनकी एबिलिटी है मैग्नेटाइज होने की वो अलग अलग है किसी मैग्नेटिक मटेरियल की एबिलिटी कितनी है मैग्नेटाइज होने की वो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाती है यानी कि आप यही कहेंगे Intensity of magnetization of a magnetic material is the ability by which it can magnetize in a magnetic field. क्या कहोगे? Physical meaning इसका यही है। इसको समझने के लिए यही लिखेंगे। The ability of a material by which It can magnetize in a magnetic field. अब प्यारे बच्चों देखिए स्टूडेंट्स जो हैं किसी क्लास में बैठे हुए थे उन्होंने क्लास टेंड की और टॉपिक को समझा कितना समझा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है कि उन्होंने सीखा कितना है उनके अंदर जो वो जो सीखा है वो कितना है कितना डेवलप हुआ है वो पढ़ाई जो उसके अंदर जिसको पढ़ाया गया है ठीक वैसे ही जब किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में मेटीरियल्स को रखा जाता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं तो उनमें कितना मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप हुआ है उसे कहते हैं मैथमेटिकली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को मैथमेटिकली डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे इट इज डिफाइंड डिफाइंड एज दी मैग्नेटिक मोमेंट Developed in a magnetic material, मैं इसी की बात कर रहा हूं प्लेस्ड कोई रटना नहीं है कोई परेशानी नहीं है कि भाई जब स्टूडेंट्स को क्लास में बैठाया पढ़ाने के लिए तो उन्होंने कितना सीखा और उस पर्टिकुलर एक टेस्ट में उसके कितने नंबर आए वो उसकी इंटेंसिटी कहलाएगी पढ़ने की यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का भी मतलब यही है कि इट इज डिफाइंड एज दी मैग्नेटिक मोमेंट डिवलप्ड इन दी मैग्नेटिक मटेरियल्स प्लेस्ड इन दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ डिनोटेड बाय आई देखिए प्यारे बच्चों हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई से लिखते हैं जैसे किसी मेटेरियल को ये हमने यहाँ मैग्नेटिक मैटेरियल रख दिया ये देखिए और इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ वो एम डेवलप हुआ और पर यूनिट वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कितना है ये है ये देखिए प्यारे बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक मेटीरियल इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिनको आगे चल के हम लोग यूज करेंगे अच्छा एक और बात बताइए मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर मीटर स्केर क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी कॉइल से करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह काम करती है और उसका एरिया कितना है और उसमें करंट कितना है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है आई इन ए मैग्नेटिक मोमेंट की जो डेफिनेशन आई इंटू ए तो इसकी यूनिट भी यहीं से लिख सकते हैं एम्पियर इंटू मीटर स्केयर लेकिन वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब तो फिर ये क्या यूनिट रह गई इसकी एम्पियर पर मीटर तो एम्पियर पर मीटर इज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमने कोई मेटेरियल रखा था और वो मैग्नेटाइज हो गया मैग्नेटाइज का मतलब हो गया कि उसमें भी मैग्नेटिक के फील्ड डेवलप हो गया मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है क्योंकि उसमें भी जैसे एक टीचर इन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो उसमें भी तो पढ़ाई आ गई ना ये भी तो फिजिक्स सीख गए हैं तो ये भी आगे चल के टीचर का रोल अदा कर सकते हैं तो ऐसे ही ये क्या बन गया एक मैग्नेट बन गया ये वाला और इस मैग्नेट की जो डाइपोल लेंथ है वो मान लो 12 है और इसकी जो पोल की स्ट्रेंथ है देखिए ये इसकी पोल स्ट्रेंथ है मान लो सपोज कीजिए वो M है आप यहां से देख सकते हैं ये देखिए तो हुआ क्या ये पोल है। और ये इसका एरिया कितना है A और अब आपने ये डेफिनेशन देखी अभी अभी पढ़ी थी तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया इसमें ये हम पहले से ही जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट इट इज टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ और लेंथ इसकी कितनी है टूवेल्व और पोल स्ट्रेंथ कितनी है एम ये हमने देख लिया और वॉल्यूम की बात अगर हम करें तो वॉल्यूम कितना होता है एरिया एरिया ऑफ सेक्शन कितना है ए और इसकी लेंथ कितनी है लेंथ वो टूवेल्व है यानी कि ए इंटू टूवेल्व इन दोनों रिलेशन से ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी वो देखिए आई इज इक्वल टू एम इंटू डिवाइडेड बाई ए इंटू से ट्वेल्व तो कैंसिल हो गया है अब देखिए हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की एक और डेफिनेशन आ गई देखिए यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज आल्सो डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इन द मैग्नेटिक मेटीरियल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ Magnetization is also defined as the pole strength developed per unit area of material. Magnetic flux. चलिए प्यारे बच्चों अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जान लेते हैं चलिए हम फिर मैं ए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें नोन से अननोन की तरफ जाना चाहिए हम अपनी क्लास के बारे में पहले से ही जानते हैं कि एक टीचर है और क्लास बैठी आज मैं इसी एग्जांपल को ले के चलूँगा जो फिन ट्रम्स हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए ये टीचर पढ़ा रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ आप सामने बैठे हुए हैं तो मेरी पढ़ाई हुई कितनी बातें आपके दिमाग के अंदर से जा रही हैं अगर आप बिल्कुल मेरी तरफ़ देख रहे हैं तो यानी कि यही कहलाती है मैग्नेटिक ये कहलाती है फ्लक्स एक तरह से फिजिक्स की फ्लक्स जो मैं आपको समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ ये तो इसकी बात हुई अब हम यहाँ से कोरिलेट कर रहे हैं कि मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ क्या है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं जो आप लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हैं अब जब ये यह मेटीरियल यहाँ रखा हुआ है तो उस मेटीरियल में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं उसे ही कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस आर द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट व्हेन दिस सरफेस इज बीइंग हेल्ड नॉर्मल टू सरफेस ये सरफेस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के जब नॉर्मल होता है तो कुल कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होती है उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि आप क्या कहेंगे इट इज डिफाइंड एज दी टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू थ्रू द सरफेस और ये जो सरफेस है बॉडी का या जो मेटेरियल है वो उसके जस्ट नॉर्मल होना चाहिए सरफेस बींग हेल्ड नॉर्मल टू दर्फेस इट इज डिनोटेड बाई हम इसे फाइव एम से लिख देते हैं और ये देखिए कितना होता है इसे हम इस तरह से लिख देते हैं बी डॉट डी एस या फिर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं अगर क्लोज सरफेस है तो B डॉट एन डी एस यह सरफेस एरिया है आप इसे इस तरह से कह सकते हैं ये हमारा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया और मैं आपको बताऊं ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी जो एसआई यूनिट है वो हमें पता होनी चाहिए एसआई यूनिट इज वेबर और जो इसकी सीजीएस यूनिट है एंड सीजीएस यूनिट है, ज ए मैक्सवेल और हमें वेबर को मैक्सवेल में कन्वर्ट करना आना चाहिए वन वेबर इक्वल टू टेन की पावर एट मैक्सवेल से होते हैं मेरे तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमें पता चला कि कुल कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी मेटीरियल से किसी बॉडी के सरफेस से पास हो रही हैं जब उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स चलिए एक और टर्म इन्हीं से रिलेटेड है उसे कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर आप इसे मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं तो ये ट्रम होती क्या है ये देखिए प्यारे बच्चों अभी हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मेटेरियल से या किसी सरफेस से कुल कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होती हैं उसे तो कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और उस यूनिट एरिया से उस सरफेस के यूनिट एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होती हैं उसे कहते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया सिस थ्रू दर्फेस ऑफ ए मेटीरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लैक्स डेंसिटी और प्यारे बच्चों इट इज डिनोटेड बाई द इसकी जो एस SI यूनिट होती है वो नोट कर लीजिएगा एस यूनिट इज टेस्ला और जो सीजीएस यूनिट है वो भी पता होना चाहिए सीजीएस यूनिट क्या होती है इज गॉस और अभी मैंने बताया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है ना बी इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया अब मैग्नेटिक फ्लक्स की और एरिया की यूनिट हम पहले से जानते हैं इससे हम टेस्ला और गौस में आपस में रिलेशनशिप भी सेटअप कर सकते हैं जैसे यहीं से देखिए कि ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है यानी कि जो वन टेस्ला है डेट इज इक्वल टू वन वेबर पर मीटर स्केर और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वन वेबर पर मीटर स्केर और एक और बात वन जो गॉस है ये सीजीएस यूनिट है तो ये क्या हो जाएगी ये हो जाएगी वन मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्केल क्योंकि जो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की वो मैक्सवेल होती है और एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर तो मैक्सवेल्स पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो गई अब हम यहां से देखते हैं कि ये जो वन टेस्ला है वन टेस्ला इज इक्वल टू वेबर वन वेबर में कितने मैक्सल्स होते हैं टेन की पावर एट मैक्सवेल्स जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था और एक मीटर स्क्यर में कितने सेंटीमीटर स्केयर होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए टेन की पावर फोर सेंटीमीटर स्केयर यहां से देखिए मैक्सवेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वेयर मैक्सवेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वेयर को क्या कहते हैं गॉस इसका मतलब ये हुआ ये कितना होगा टेन की पावर फोर गॉस ये फोर तो यहाँ से कैंसिल हो गया और मैक्सुअल्स पर सेंटीमीटर स्क्वेयर को हम क्या कहते हैं गॉस कहते हैं इसलिए वन टेस्ला इजिकल टू टेन की पावर फोर गॉस इससे हमें इनका रिलेशन के बारे में पता चल गया तो प्यारे बच्चों ये टर्म भी आपको समझ में आ गई होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है अब हम देखते हैं एक और नई टर्म उसको भी डिफाइन करते हैं ये टर्म्स हैं जो मैग्नेटिज्म में आगे चल के और आपके एग्जाम्स में भी पूछी जाएंगी इसलिए आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए बहुत अच्छा रहता है फिर भी अगर आपको इन सभी के हैंड रिटन नोट्स की जरूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिकबिलिटी चलिए इस टर्म को हम लोग समझ लेते हैं परमीएबिलिटी परमीए का मतलब तो परमिशन देना है एबिलिटी का मतलब योग्यता मैं फिर यही इस क्लासरूम में चलते हैं आप ये बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुन रहे हैं यानी कि जो पढ़ा रहे हैं उन ज़्यादातर चीज़ों को ज़्यादातर पढ़ाई की उन बातों को चाहे वो फिजिक्स हो या कोई सब्जेक्ट हो उनको ज़्यादा से ध्यान से सुन रहे हैं उनको ज़्यादा अपने दिमाग के अंदर जाने के लिए परमिशन दे रहे हैं और कुछ बच्चे क्लास में होते हुए भी सही नहीं पढ़ पाते ज़्यादा नहीं पढ़ पाते ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाते या यूँ कहिए कि ज़्यादा पढ़ाई की बातों को अपने दिमाग में नहीं जाने दे सकते परमिशन नहीं देते हैं वो अपना ध्यान इधर उधर भटकाते रहते हैं जिससे कि पढ़ाई की बातें उनके दिमाग में कम जा पाती हैं यानी कि कोई स्टूडेंट कितनी पढ़ाई की बातों को अपने दिमाग में जाने की परमिशन देता है ये उसकी परमिएबिलिटी कहलाती है ठीक ऐसे ही अब यहाँ चलते हैं अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत सी मैग्नेटिक मेटीरियल्स हैं तो ये मेटीरियल कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अपने अंदर जाने की परमिशन देते हैं उन्हें हम उसकी मैग्नेटिक परमीएबिलिटी कह सकते हैं यानी कि ये भी जो प्रॉपर्टी है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटीरियल्स बाई विच इट अलाउ दी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट आप इसको यही तो कहेंगे इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मेटीरियल बाय विच इट अलाउ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास थ्रू इट ये देखिए अगर हम इसे इट इज डिनोटेड बाई म्यू अगर हम इसे इक्वल टू बी बाई एच पर यह दोनों ही टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मेटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक परमिबिलिटी की इट इज द रेशियो बिल्कुल रेशियो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है और ये जो बात मैंने बताई थी ये उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है फिजिकली हम किसी टर्म को डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे चलिए देखिए ये आपके सामने डेफिनेशन है इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिवलप्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी और ये प्यारे बच्चों इन दोनों की ही अगर आपको यूनिट लिखनी हो तो इन दोनों की यूनिट आपको पता है बी की क्या यूनिट बताई थी मैग्नेटिक फ्लक्स की टेस्ला चलिए हमने टेस्ला लिख दिया और नीचे क्या है ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसकी यूनिट क्या थी एम्पियर पर मीटर तो फिर इसकी यूनिट क्या होगी टेस्ला ये देखिए ये मीटर ऊपर चला जाएगा और पर एम्पियर दिस इज यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मेटीरियल अच्छा ये तो ही उसकी खुद की मैग्नेटिक परमेबिलिटी लेकिन अगर हम इसी मैग्नेटिक परमिबिलिटी की का जो कंपेरिजन है फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिबिलिटी से करें तो फिर उसे हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी कहेंगे जैसे सपोज कीजिए फ्री स्पेस की जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी होती है वो होती है ये बी इजकल टू एच यानी कि बी को हम यहाँ से ये यह लिख सकते हैं इट इजकल टू म्यूनोट एच वहाँ यहाँ पर म्यूनोट क्या है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी देखिए प्यारे बच्चों रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ ए मेटीरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ दैट मेटीरियल एंड द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये देखिए अगर आपसे पूछता है पूछा जाता है व्हाट इज दी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी तो यही लिखेंगे आप कहेंगे इट इज डिफाइंड या इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मेटीरियल एंड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस फ्री स्पेस और प्यारे बच्चों क्योंकि दोनों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्यारे बच्चों इस टर्म को भी समझने के लिए पहले इस वर्ड को आपको समझना पड़ेगा ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कितनी जल्दी कोई मेटेयल मैग्नेटाइज होता है ये उस मैग्नेटिक मेटेरियल की एबिलिटी होती है उसकी कैपेबिलिटी होती है चलिए हम बात अपनी क्लासरूम की ही कर लेते हैं एक टीचर क्लास को पढ़ा रहा है कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है कोई बहुत देर से सीखता है एक ही बात को बार बार रिपीट करना पड़ता है तब वो सीखता है यानी कि कोई विद्यार्थी कितनी जल्दी ज्ञान अर्जित करता है ये उस विद्यार्थी की या उस स्टूडेंट की कैपेबिलिटी है ठीक वैसे ही कोई मेटीरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में कितनी जल्दी मैग्नेटिज्म अक्वायर करता है ये उसकी कैपेबिलिटी है इसी कैपेबिलिटी को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हुई इट इज दी कैपेबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मेटीरियल By which it acquire the magnetism in a magnetic field। अच्छा एक और बात है जितना टीचर पढ़ाता चला जाएगा उतना ही ये स्टूडेंट सीखते चले जाएंगे जितना ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा इस मैग्नेट का उतना ही ज्यादा इसमें मैग्नेटिज्म अक्वायर करेंगे ये मेटेरियल यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन दीज मेटेरियल विच इज डिवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेट ये उस मेटेरियल में डेवलप हुआ है पर वो है और ये उस मैग्नेट का इंटेंसिटी है और आप जानते हैं कि जब भी हम साइन को हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट की जरूरत पड़ती है एंड सो वी कैन राइट इट इज इक्वल टू शाई एम एच ससेप्टिबिलिटी और यहां से हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी यानी कि दिस इक्वेशन गिव्स हियर दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू आई बाई एच आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पर आई बाई एच यानी कि अब हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मेटीरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिवलप्ड इन द मैटीरियल एंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी द रेशियो ये देखिए रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप्ड इन द मेटेरियल एंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी अब देखिए आई और एच ये हमने आपको बताया था दोनों की सेम यूनिट होती है सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आल्सो हैज नो यूनिट तो प्यारे बच्चों देखिए हमने मैग्नेटिक परमीबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इस तरह की तमाम जो टर्म्स हैं जिनका हमें आने वाले जो आर्टिकल्स हैं उनमें यूज करना है वो हम पढ़ चुके हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इस चैनल के साथ आई सी सर फिजिक्स से जुड़े रहें इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस लेक्चर को मिस ना करें अरे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत